कोरोना पूरी तरीके से आम जनजीवन पर अब हावी होते जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, कोरोना का प्रभाव बीच में तो बहुत कम हो गया था जरूर, लेकिन अभी होली के बाद ये दूसरा झोंका कोरोना का आया है और ये झोंका बड़ा तीव्र है। इसका अलग तरह का स्ट्रेन है जो कि इंग्लैंड से आया है, पहले तो रशियन, ये चाइनीज कहता था लोग, लेकिन अभी जो जहाँ से आया हो लेकिन फैला है ये इंग्लैंड से, और ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। डायरेक्ट लंग्स पर और हर सिस्टम पर भीतर में अटैक कर रहा है ये, और जितना लापरवाह हम लोग थे आज एक हफ्ता पहले, वो लापरवाही सब खत्म हो गई है जो जानते हैं। और आम जनता से अनुरोध है कि लापरवाही बंद करें सर। सिर्फ तीन उपाय हर लोगों से 2 गज की दूरी बनाए कर रखें, 2 गज की दूरी रखिए। तो होना मुश्किल है, लेकिन एक बार मास्क लगा कर रहिए हमेशा, एक चीज और, मास्क नहीं निकलिए है, और बार बार सैनिटाइजर हाथ में मास्क कीजिए। कोरोना वैक्सीन लेने के बावजूद भी सर रिपोर्ट पॉजिटिव आ रहे लोगों का, उसके बाद क्या करेंगे? कोरोना के बाद भी पॉजिटिव हो रहा है और उसके बाद जो हो रहा है उसमें दोनों बात हो रही है। बहुत सारे केसेस में देखा जाए कि जो वैक्सीन ले लिए हैं उनमें ये रोग उतना खतरा नहीं कर रहा है, लोग ठीक हुई हो जा रहे हैं मैक्सिमम लोग, लेकिन कई जगह देखा गया है कि खतरा भी हुआ है। तो वैक्सीन वैक्सीन तो लेना ही है, वैक्सीन तो लेना ही है, हर हाल में लेना है। लेकिन सर जो वैक्सीन लेने के बाद कुछ लोगों का रिपोर्ट अभी जो आपके सामने भी आया होगा प्रकाश में, डॉक्टर वगैरह को भी कुछ हुआ जो पॉजिटिव हो गए हैं, ऐसे में तो सर वैक्सीन भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं माना जा सकता है? देखिए, है कि बहुत सा स्ट्रेन है, एक वायरस का बहुत सा स्ट्रेन है, एक वायरस बहुत तरह का है कोरोना, कोरोना में भी बहुत सा वेराइटीज है, तो हर के लिए प्रोटेक्शन वैक्सीन नहीं हो पा रहा है ये। और एंटीबॉडी डेवलपमेंट का देखा जाता है कि एंटीबॉडी कितना डेवलप कर रहा है, अगर प्रॉपर अमाउंट में एंटीबॉडी डेवलप नहीं कर रहा है तो दोबारा अटैक होने का डर है। बहुत सा कारण है, चूँकि बीमारी ये बहुत नया है कोरोना, इसलिए इसके बारे में अगर कोई ऑथेंटिकली कह रहा है कि हम सब कुछ जानते हैं इसके बारे में, तो ये गलत है। बहुत सा चीज़ बड़े बड़े डॉक्टर बड़े बड़े साइंटिस्ट नहीं जानते हैं अभी भी कोरोना के बारे में, अभी हर कुछ क्लियर नहीं है, सब गोलमाल है, सब घोच पोच है, हो रहा है देखिए, लेकिन मैक्सिमम बचना है, मैक्सिमम बचना है, कुछ भी हो सकता है भाई, कोई चीज़ गारंटी नहीं है, कहीं कोई गारंटी नहीं है। जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस कराइए, पकड़ में आता है आइसोलेट होइए, दवा खाइए, सुरक्षित रहिए, प्रिकॉशन लीजिए, सब कुछ करना है, लेकिन लापरवाही छोड़िए। ठीक है सर, बस लापरवाही छोड़िए भाई, सबसे अनुरोध है।